माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित पिंटू शर्मा एवं अविनाश गौतम ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर आज के मुख्य यजमान अमरेंद्र कुमार शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि किसी भक्त के मुख से गुरु का नाम निकले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर गुरु के मुख से किसी भक्त का नाम निकले तो भक्त के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। उन्होंने कहा कि शैशव और वृद्धत्व के बीच का समय ही त्याग तपस्या व अन्य धार्मिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। इस काल में ही व्यक्ति इच्छा अनुसार शुभ कर्मों का संचय कर सकता है। मंदिर परिसर में कोविड-19 की डायरेक्शंस के अनुसार सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन मास्क इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर विजय गुप्ता गुरबाज सिंह बलजिंदर सिंह एडवोकेट राजकुमार राकेश मुकेश चौधरी दिशांत राकेश महाजन मुकेश चौधरी जसविंदर सिंह सुरेंद्र सिंह राजेंद्र कत्याल संजीव शर्मा शेखर सेठ मधुकर कत्याल मानव शर्मा अभिलक्ष चुग सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। किसी दे गुरु दे मुंह दे विचों अपने भगत दा नाम लेके ते बहुत वड्डी गल है। सो पावे है कि असी अगे तो अगे दौड़ लाई दी है। कभी ये सोचे नहीं कि धर्म करना की जे धर्म करने बारे सोचते हैं उदों तक शरीर जवाब दे जो बुढ़ापा आता उदों फिर इन्ना दम ही नहीं रहता कि अस कोई भी कर्म कर सकी। इसलिए नाल दे नाल कई ने तीर्थ किए हुए हैं अपने जवानी के बुढ़ापे कल प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो साडे संस्कार जो साडे समाज के विचार बोलते हैं बगलामुखी जी। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी विच स्थित है, लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक गुलमोहर सिटी है, उस दे विच ए माँ पितांबरा का एक भव्य मंदिर स्थापित है। अज माँ बगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस दे विच दूरों दूरों संगतां ने आ के हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और अपने अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कृपा मंगी है। असी माँ के चरणों बारंबार प्रणाम करते हैं और यही आशीर्वाद मंगते हैं कि इस तरह ही सनातन धर्म की असी सेवा करते रहिए और नाल नाल जो भी मानवता के साडे कर्म है वह पूर्ण करते रहिए। माँ सानू अतुलित बल दे ताकि साडे सारे सेवादार ऐदा ही माँ के चरणों के विच सेवा करते रहन और धर्म के लिए जागृत करते रहन सारे समाज में। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि हर वीरवार को माँ बगलामुखी धाम च इस ठंड करके सवेरे 7 to 8 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता और हर शनिवार को शाम 6 to 7 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जिज नहीं लिया जाता। ये तुहाडी इच्छा है समगरी तुसी खरीद के हवन यज्ञ च डलवा सकते हैं, तुहाडी इच्छा नहीं है बाय करने की कपैसिटी नहीं है तो तुसी निःशुल्क हवन यज्ञ च आके बैठो। 2 वारी लॉकडाउन की पोजिशन हुई सी और माँ ने बड़ी कृपा की है। इस तरह ही माँ जगदम्बा अपने सारे भगतों की कृपा करती रहे और अपने दरबार से बुला के नतमस्तक करवाती रहे। जय माता दी। मुझे आज
गुलमोहर सिटी में माँ बगलामुखी धाम में हवन यज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामाई की असीम कृपा है कि मैं यहाँ आया और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। यहाँ जो साप्ताहिक हवन यज्ञ होता है हर सप्ताह, वो वाकई समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रार्थना की जाती है उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और मैं ख़ास तौर पर नवजीत भारद्वाज जी का बहुत बहुत इसमें इनका प्रशंसा भी करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि ये इस तरीके से तमाम भक्तों को साथ लेके महामाई के दरबार में हर सप्ताह और फिर हर माह हवन यज्ञ करते हैं और समाज के कल्याण के लिए महामाई से प्रार्थना करते हैं। मैं इनका भी आभारी हूँ और महामाई के चरणों में फिर से नतमस्तक होता हूँ।